सो हेलो गाइस, जनवरी के ख़त्म होने के बाद फरवरी का फर्स्ट मंथ आ गया है। तो गाइस देखो क्या सीन चल रहा है कि आईफोन का जो ओल्ड डिवाइस है, जो आईफोन 5s, आईफोन 6, ठीक है, जो भी आप बोलो, उसमें से बहुत सारे डिवाइस का खत्म हो गया है। मतलब क्या सीन चल रहा है कि आप अगर उसे लोगे तो कुछ डाउनलोड नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको प्रूफ दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो आप गलती से भी आईफोन का वो वाले सीरीज मत लेना जो इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। तो आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और आप लोग चैनल अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, आईफोन का जितना भी ओल्ड डिवाइस है, मतलब आईफोन 5, आईफोन 5s, आईफोन 6, जितने भी पुरानी डिवाइस है, उसमें पहले क्या चल रहा था, फ्री फायर चल रहा था। डाउनलोड करके कैसे भी आप खेल सकते थे पहले। बट अभी का सीन चल रहा है, अभी कुछ मतलब उल्टा सीधा हो गया है। आप मतलब अगर आईफोन 6 को लोगे या आईफोन 5s को लोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। मतलब आप कुछ नहीं डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। आप लोग अगर लोगे तो आप लोग सिर्फ कॉल के लिए मतलब यूज कर सकते हो उसे, और छोटे मोटे एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बट आप अगर सोच रहे हो कि मैं बड़ा बड़ा कुछ मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, तो भाई गलती से भी मत लेना उस डिवाइस को, आपको मतलब ऐसा बर्बाद होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आज का वीडियो में आपको प्रूफ दे दूंगा पूरा एकदम कि क्या सीन हुआ है आईफोन 5, आईफोन 5s, आईफोन 6। देखो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, ठीक है। क्या करते हो, जब भी वीडियो देखते हो तो स्किप कर करके, मेरा वीडियो नहीं, जिस मतलब किसी का भी वीडियो हो, आप लोग जब भी देखते हो वीडियो को स्किप करके करके देखते हो। तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे। स्किप करके करके देखोगे तो वीडियो को क्या समझोगे, आप मेरे बात को क्या समझोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, देखो तो पूरा वीडियो को देखो तो ही कुछ समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखा दे रही हूँ कि आईफोन 6 क्यों नहीं लेना है आपको। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में है आईफोन 6 डिवाइस। चलो मैं तुमको अबाउट में जाकर मेरे मतलब फोन का पूरा डिटेल्स आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो चलो मैं अबाउट में जाकर मैं तुमको दिखा देती हूँ। अबाउट में जाकर देखो मेरा सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, iOS वर्जन है 12, ठीक है। तो आप लोग अभी देख सकते हो क्या प्रॉब्लम होगा इस फोन का, तो जो सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है, और नहीं अपडेट आएगा इस फोन में, इंड हो गए, ठीक है। जो 2023 में और कुछ अपडेट नहीं आएगा इस फोन में। देखो मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। देखो फ्री फायर को छोड़ो, सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूट्यूब, ठीक है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं यूट्यूब डाउनलोड करूँ। बट एक सीन आप लोग देखो, इस फोन में यूट्यूब तक डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब अभी के टाइम पे अगर आप लोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि iOS का जो सिस्टम है, मतलब iOS 14 जो मतलब यूजर है वही से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी के टाइम पे iOS मतलब इस वाले फोन को, 6 वाले फोन को लोगे तो कुछ मतलब यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। व्हाट्सअप तक डाउनलोड करने के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कुछ ही नहीं डाउनलोड कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि गलती से भी ये वाले फोन को मत लो। अगर आप लोग सिर्फ कॉल के लिए लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो। अगर इस फोन को आप लोग मतलब सिर्फ कॉल के लिए लोगे तो ही अच्छा होगा, और फोटो खींचने में फोटो भी उतना अच्छा नहीं आता। आप लोग अगर मेरे डॉक्यूमेंट देखे, आप अगर लोगे तो आईफोन 7 से ट्राई करो, आईफोन 7 या फिर आईफोन 6s प्लस को, ठीक है, क्योंकि इस फोन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले बोल रहे, पहले मतलब मैं उनको वीडियो बना दे रहा हूँ कि मत लो। और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। इस वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास।